गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू अवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आई है 50 इंच की एलईडी टीवी और इस एलईडी टीवी में प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको सबसे पहले चेक करवा देता हूँ। तो मैं इस पावर केबल को लगाता हूँ पावर बोर्ड में और आप यहाँ पर इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर जो रेड कलर का है वो ऑन हो चुका है। अब मैं इसे स्टैंड बाय से रिलीज़ करता हूँ और उसके बाद आप पिक्चर को देखिएगा बड़े ही ध्यान से। तो जैसे कि अभी आपने देखा, इस एलईडी टीवी की जो बैकलाइट है वो एक बार ब्लिंक करके ऑफ हो चुकी है और अब इस एलईडी टीवी में कोई भी बैकलाइट नहीं जल रही है। तो मैं इस एलईडी टीवी की जो पावर केबल है वो पावर केबल को दोबारा से पावर बोर्ड में लगाता हूँ और आपको दोबारा से फॉल्ट को दिखाता हूँ। आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इंडिकेटर ऑन हो चुका है, स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं और आप देखिए। तो जैसे कि अभी आपने देखा, जो बैकलाइट है वो बैकलाइट ब्लिंक करके ऑटोमेटिक ही ऑफ हो चुकी है और ना इसमें अब कोई पिक्चर आ रही है ना ही बैकलाइट ऑन हो रही है। तो अब मैं इस 50 इंच एलईडी टीवी को बड़ी सावधानी के साथ पलट कर रख लेता हूँ और इस एलईडी टीवी को मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो अब मैं सबसे पहले बैकलाइट टेस्टर के माध्यम से इस 50 इंच एलईडी टीवी की जो बैकलाइट है उन बैकलाइट को टेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले बैकलाइट टेस्ट की जो पावर केबल है, पावर केबल को लगाता हूँ पावर बोर्ड में। तो यहाँ पर मैंने पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा दिया है। अब स्विच को ऑन करते हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बैकलाइट टेस्टर ऑन हो चुका है। तो अब मैं मदरबोर्ड में लगे बैकलाइट के जो जैक है, बैकलाइट के जैक को बाहर निकालता हूँ और एक एक करके बैकलाइट टेस्टर के माध्यम से दोनों साइड की जो बैकलाइट है मैं उनको टेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक साइड की चेक करते हैं। आप यहाँ पर बैकलाइट टेस्टर में जो रीडिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पर 40.2, मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं 41.4 वोल्ट, यहाँ पर जो वोल्टेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो लाइट है लाइट को ऑफ करता हूँ, उसके बाद आप अच्छे से रीडिंग को देख पाएंगे। मैं सभी लाइटें को एक एक करके ऑफ करता हूँ। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 300 वोल्ट की रीडिंग यह बैकलाइट टेस्टर दिखा रहा है, जो कि साफ साफ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक साइड की जो बैकलाइट है उनको दोबारा से टेस्ट करता हूँ। आप यहाँ पर वोल्टेज देखिएगा 42.34, यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, यानी 42 वोल्ट से यहाँ पर ऊपर है। तो यानी और आप बैक साइड में जो होल है वहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर रोशनी आ रही है, यानी एक साइड की जो बैकलाइट है वो तो बिल्कुल ओके है। आप दूसरी साइड की जो बैकलाइट है उसको टेस्ट करेंगे, मैं आपको दोबारा लगा कर दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बैकलाइट जो है बिल्कुल ओके है। तो दूसरी साइड की बैकलाइट को चेक करते हैं। तो इस साइड की बैकलाइट टेस्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी बैकलाइट ओके है या नहीं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 40.2 बैकलाइट टेस्ट रीडिंग शो कर रहा है और आप बैक साइड में देखें, यहाँ पर जो होल है होल में से बैकलाइट की जो रोशनी है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। दोबारा मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। आप यहाँ पर दोबारा से देखिए, यहाँ पर बैकलाइट की जो रोशनी है इस होल के माध्यम से दिख रही है, यानी दोनों साइड की बैकलाइट जो है बिल्कुल ओके है। तो दोबारा से सभी लाइट्स को ऑन करते हैं और बैकलाइट टेस्टर को यहाँ से हटाते हैं और बैकलाइट की जो वापस से जो वायर है, यानी कि जो जैक है, वो जैक वापस से मदरबोर्ड में लगा लेते हैं। और मैं आपको यहाँ पर दोबारा से टेस्ट करके दिखाता हूँ अभी भी यहाँ पर सेम प्रॉब्लम है या नहीं। तो यहाँ पर है इसके IR और बटन। और अब मैं पावर केबल को लगाता हूँ पावर बोर्ड में। यहाँ पर आप इंडिकेटर देखिए, रेड कलर का इंडिकेटर यहाँ पर ऑन हो चुका है और अब बैक साइड में जो होल है होल देखिएगा, मैंने स्टैंड बाय कर दिया है। तो जैसे कि अभी आपने देखा, यहाँ पर जो है बैकलाइट जो है ब्लिंक करके चली गई। मैं वापस से लाइट को ऑफ करता हूँ और आपको फिर से अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यानी बैकलाइट ओके होने के बाद भी यहाँ पर बैकलाइट ब्लिंक कर रही है। तो यानी कहीं ना कहीं इस मदरबोर्ड के जो बैकलाइट सेक्शन है, बैकलाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है। दोबारा से स्टैंड बाई करता हूँ। आप यहाँ पर इस हॉल में बैकलाइट को देखिएगा, स्टैंड बाई हो चुका है। तो जैसे कि अभी आपने देखा, यहाँ पर बैकलाइट फिर से एक बार ब्लिंक की। यानी कहीं ना कहीं ये जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के जो बैकलाइट सेक्शन है उसमें प्रॉब्लम है। तो अब दोबारा से सभी लाइट्स को ऑन करते हैं और अब मैं डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से जो मदरबोर्ड के जो बैकलाइट सेक्शन हैं, बैकलाइट सेक्शन से जो बैकलाइट के लिए वोल्टेज आते हैं उन वोल्टेज को चेक करेंगे और देखेंगे वहाँ पर वोल्टेज आ रही है या नहीं। और मैंने डिजिटल मल्टीमीटर की जो वोल्टेज रेंज है वो मैंने 200 वोल्ट पर सेट कर ली है। अब मैं पावर केबल को लगाऊँगा पावर बोर्ड में
और उसके बाद बैकलाइट सेक्शन की जो वोल्टेज है वहाँ पर बैकलाइट के लिए वोल्टेज आ रही है या नहीं, डिजिटल मल्टीमीटर से हम चेक करने वाले हैं। तो मैंने पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा दिया है, अब चेक करते वोल्टेज को, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। डायरेक्ट वहीं पर प्रोब को लगा कर देखते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड इंडिकेटर ऑन है लेकिन कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। स्टैंड बाई करके देखते हैं, तो जैसे कि अभी आपने देखा वोल्टेज यहाँ पर बढ़ने के बाद जो है ड्रॉप हुई है और डिजिटल मल्टीमीटर अब यहाँ पर वोल्टेज जीरो दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बैकलाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है जो कि वन टाइम बैकलाइट बिलिंग का फॉल्ट है। तो वन टाइम बैकलाइट बिलिंग को ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर बैकलाइट ड्राइवर का यूज करूँगा जिसे हम इन्वर्टर भी कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो ये ब्लू वाला आप बैकलाइट ड्राइवर देख पा रहे हैं जिसका मॉडल नंबर है गोल्ड 16ES, इस बैकलाइट ड्राइवर को मैं 32 इंच LED में यूज़ करता हूँ। और इसके बाद मैं आपको दूसरा बैकलाइट ड्राइवर दिखाता हूँ। ये जो आप बैकलाइट ड्राइवर देख पा रहे हैं येलो कलर का, इस बैकलाइट ड्राइवर को मैं 40 इंच या फिर 43 इंच LED में यूज करता हूँ। और आप यहाँ पर इसके इनपुट आउटपुट वोल्टेज को देख पा रहे हैं, और आप पीछे की साइड देख पा रहे हैं यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट वोल्टेज दिखा हुआ है। आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर 180 वोल्ट मैक्सिमम है। इस बैकलाइट ड्राइवर को मैं 40 इंच तक यूज करता हूँ। अब इस 50 इंच के लिए बैकलाइट ड्राइवर दिखाता हूँ, मैं 50 इंच LED में कौन सा बैकलाइट ड्राइवर यूज करता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस बैकलाइट ड्राइवर को मैं, यानी इस इन्वर्टर को मैं 50 इंच या फिर 55 इंच LED में यूज करता हूँ। और इस बैकलाइट ड्राइवर का जो मॉडल नंबर है गोल्ड 99E, जो कि आप देख पा रहे हैं इस पर लिखा हुआ है। तो बैकलाइट सेक्शन खराब होने के बाद मैं इन सभी बैकलाइट ड्राइवर का इस्तेमाल करता हूँ। तो अब लगाते हैं इस 50 इंच LED में इस बैकलाइट ड्राइवर को। तो सबसे पहले इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं। ये जो सिंगल वायर का जो आप कनेक्शन देख पा रहे हैं ये इनेबल का सिग्नल है, यानी बैकलाइट ऑन का, जिसे हम BL ऑन कहते हैं। तो BL ऑन यहाँ पर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में तीसरे नंबर का जो इनेबल है ये ही BL ऑन है। तो इस पीले वाले वायर को हमें इसी पर लगाना है। तो यहाँ पर आप इस जैक को देखिए, यहाँ पर ये जो है चौथे नंबर पर लगा हुआ है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। तो इसे निकाल कर तीसरे नंबर पर लगाना है जो कि सही कनेक्शन होगा। तो ट्वीजर से कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर बाहर निकालना है और इस तरीके से लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने BL ऑन सिग्नल को लगाया है जो कि कुछ इस प्रकार है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3 यानी तीसरे नंबर पर इनेबल सिग्नल है जो कि BL ऑन है, हमने इसे लगा दिया है। अब लगाते हैं हम पावर वाले को। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो इसकी पावर है वो आप देख पा रहे हैं 12 वोल्ट और ग्राउंड यहाँ पर है। तो लेफ्ट के 2 और राइट के 2 यानी कि 2 ग्राउंड और 2 प्लस 12 वोल्ट हमें यहाँ पर लगाने हैं। तो कुछ इसी प्रकार हमें कनेक्शन करने हैं। तो उसके लिए मैं जो पीले वाले वायर है ट्वीजर से कुछ इस प्रकार बाहर निकालूँगा। तो एक रेड के साथ येल्लो वायर और दूसरा ब्लैक के साथ येल्लो वायर, यानी 2 प्लस 12 वोल्ट और 2 ग्राउंड, यानी हमें 4 वायर की ज़रूरत है जो कि हम इसके माध्यम से पावर देने वाले हैं। लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले इसका जो लेंथ है उसे चेक कर लेते हैं, कहीं ये छोटी तो नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह वायर छोटी पड़ जाएगी, तो मैं इस वायर को चेंज करता हूँ। तो मैंने नए इन्वर्टर में से इस वायर को निकाला है जो कि बिल्कुल पैक था। तो इस वायर को हम सेम उसी तरीके से लगाएंगे जो येल्लो वायर है एक रेड के साथ और जो दूसरा वायर है वो ब्लैक के साथ, यानी एक रेड येल्लो और एक ब्लैक येल्लो, इन 4 वायर की हमें ज़रूरत है जो कि इन्वर्टर में हमें लगाना है। तो अभी कनेक्शन चेक करते हैं। इनेबल हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो यहाँ पर राइट में जो है 12 वोल्ट है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और लेफ्ट में जो है ग्राउंड है, यानी कि 5 तो यहाँ पर 12 वोल्ट है और 5 यहाँ पर ग्राउंड है और 1 NC जो कि खाली है। तो यहाँ पर 2 तो ये और 2 ग्राउंड ये, और बीच वाला जो है हमें छोड़ना है, हमें कुछ इस तरीके से उस जैक को लगाना है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जहाँ पर हमें पिन टू पिन जैक को मैच करना है, यानी कि 2 ग्राउंड और 2 प्लस 12 वोल्ट हमें लगाने हैं, इनेबल वाले जैक की वजह से यहाँ पर ये अच्छे से नहीं लग पा रहा है, जो कि हमारे यहाँ पर गलत कनेक्शन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इनेबल वाला जो जैक है उसकी जो 2 पिने हैं यानी कि 2 होल है उसके यहाँ पर मैं कटर से कट कर देता हूँ।
तो अब इसे कट करने के बाद अब यहाँ पर वह जैक जो है अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे अब यहाँ पर जगह बन चुकी है, तो हमें दो ग्राउंड और दो प्लस 12 वोल्ट पर लगाने हैं। अब जैक को लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें लेफ्ट के सॉरी राइट के जो तीन प्लस 12 वोल्ट हमें उन्हें छोड़ना है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कनेक्शन तो हमारे सही हो चुके हैं, लेकिन कलर के अनुसार जो रेड वायर है वो ग्राउंड पर है और जो ब्लैक वायर है वो प्लस 12 वोल्ट पर है, लेकिन दो दो वायर बिल्कुल यहाँ पर सेम लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल ओके हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो रेड और ब्लैक वो जो वायर हैं इन्हें चेंज कर लेते हैं, रेड की जगह ब्लैक करते हैं और ब्लैक की जगह रेड करते हैं। तो आप कोशिश करें जो वायर है वो कलर के अनुसार और पॉजिटिव नेगेटिव के अनुसार ही लगाएं, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक वायर को निकाल लिया है और आप रेड वायर को निकालते हैं। तो मैंने रेड वायर को भी निकाल लिया है, रेड वायर को लगाते हैं ब्लैक की जगह और ब्लैक वायर को लगाते रेड की जगह। तो अभी यहाँ पर हमारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, राइट साइड के अभी जो आप देख पा रहे हैं तीन प्लस 12 वोल्ट छोड़ने हैं, बीच में एक ग्राउंड और एक जो खाली है, और दो यहाँ पर लेफ्ट के जो ग्राउंड है वो हमें लगाने हैं। तो बीच के दो हमने खाली छोड़े हुए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कनेक्शन बिल्कुल ओके हो चुके हैं। तो यहाँ पर लेंथ के अनुसार वायर को कट कर लेते हैं और अब इनके हम कनेक्शन करेंगे। तो प्लस 12 वोल्ट के कनेक्शन करने के लिए मदरबोर्ड में एक जैक दिया हुआ होता है, लेकिन कनेक्शन करने के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का पता होना चाहिए। यदि पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें नहीं पता है तो हम डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से कुछ इस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो ब्लैक प्रोब को करना है ग्राउंड और जैक में एक प्रोब को टच करना है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बीप दिया है, ये है नेगेटिव, दूसरे पर टच कराते हैं, यहाँ पर बीप नहीं दी, ये है पॉजिटिव। जहाँ पर प्लस 12 वोल्ट आते हैं वहाँ से टच कराते हैं, ये है प्लस 12 वोल्ट, और अब ग्राउंड से टच कराते हैं, ये है नेगेटिव। तो कुछ इस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर बजर मोड के माध्यम से यानी डिजिटल मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो अब लगाते हैं यहाँ पर हम दोनों वायर पर पेस्ट। तो हमने ब्लैक के साथ एक येल्लो लिया है और रेड के साथ येल्लो लिया है, यानी दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। तो राइट वाला यहाँ पर हमारा जो है नेगेटिव है और लेफ्ट वाला यहाँ पर पॉजिटिव है। तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वर्टर के दोनों वायर को लगा दिया है, अब यहाँ पर सिर्फ इनेबल वायर बचा है। अब लगाते हैं बैकलाइट के वायर को। तो यहाँ पर हम बैकलाइट के कनेक्शन करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेफ्ट में बैकलाइट का कनेक्शन है और राइट में बैकलाइट का कनेक्शन है, जो कि दोनों सेक्शन अलग अलग दिए हुए हैं। तो लेफ्ट में तो हम कुछ इसी तरीके से सेम हम लगा देंगे, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है। तो यहाँ पर एक जग तो हमने लगा दिया है, लेकिन राइट साइड में हमें यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको सबसे पहले कनेक्शन को चेक कराऊंगा किस तरीके से वहाँ पर दिया हुआ है। तो इस जैक को हमें राइट साइड में लगाना है, लेकिन हमें यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राइट साइड में लेफ्ट की ओर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर LED प्लस और दूसरे नंबर पर NC, फिर LED माइनस, फिर LED माइनस, कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन दिए हुए हैं। मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। LED प्लस, दूसरे नंबर पर LED यानी कि NC, तीसरे नंबर पर LED माइनस, चौथे पर LED माइनस। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो दूसरे नंबर पर NC और LED माइनस है तीसरे नंबर पर, उन दोनों को आपस में जंपर करना है, इन दोनों को। तो इन दोनों को जंपर करके यहाँ पर जो राइट वाला है वो नेगेटिव बन जाएगा और पहले नंबर का ऑलरेडी पॉजिटिव यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं सोल्डिंग करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जो कि पहले नंबर का जो है LED प्लस है और दूसरे नंबर का NC है और तीसरे नंबर का LED माइनस है। तो तीसरा नंबर और दूसरा नंबर यानी NC और LED माइनस हमें जंपर करना है, और जंपर करने के बाद वह जो दूसरे नंबर का पॉइंट है वो LED माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बजर के माध्यम से डिजिटल मल्टीमीटर से चेक कराता हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव चेक करते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कैपेसिटर से जो पॉजिटिव है वो ओके है, और यहाँ पर नेगेटिव देखिए। तो यहाँ पर नेगेटिव कनेक्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल ओके है, जो कि हमने NC और LED माइनस को जंपर किया है। यहाँ पर पॉजिटिव चेक करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव भी ओके है। तो अब यहाँ पर बैकलाइट के जो दोनों वायर है उनको यहाँ पर जैक को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले इसी जैक को लगाने वाले हैं, जो कि लेफ़्ट की ओर लगाना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वायर को, प्लस वायर यहाँ पर लेफ़्ट में है और
ग्राउंड वायर यानी ब्लैक वायर राइट में है। तो यहाँ पर इस जैक को हमें अच्छे से लगाना है। यहाँ पर हमने जैक को लगा दिया है, अब दूसरे जैक को लगाते हैं। तो यहाँ पर दो ही जैक दिए हुए हैं, दो में से एक में हमने लगा दिया है, जो कि कनेक्शन बिल्कुल सेम है, अभी आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम लगाएंगे इनेबल वायर को, जो कि बी एल ऑन सिग्नल है। और इस वायर में हम एक रेजिस्टेंस को लगाएंगे, जो कि आपको भी मैं स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। लेकिन आप इस बी एल ऑन में रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 10K, 50K और 100K। आप इन तीन में से कोई भी रेजिस्टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मेरे पास ये रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो मैं इस रेजिस्टेंस का उपयोग करूँगा। तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को मैं पीसीबी पर सोल्डिंग करूँगा। तो कहाँ पर सोल्डिंग करना है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। तो जहाँ पर 12 वोल्ट पैनल के लिए आते हैं, तो यहाँ पर टीकॉन बोर्ड में 12 वोल्ट जहाँ पर इनपुट हो रहे हैं, उस फ्यूज पर ही मैं इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक साइड से सोल्डिंग कर दिया है और दूसरी साइड से सिरे को कट करते हैं और येल्लो वायर को हम इसी में सोल्डिंग कर देंगे। तो अभी मैं वायर को जो है ऐसी सोल्डिंग कर रहा हूँ, बाद में मैं इस वायर और रेजिस्टेंस में हीट सिंक ट्यूब लगाकर इसे अच्छे से पैक कर दूंगा। अब लगाते हैं एलईडी केबल को और इसके बाद हम बैकलाइट को टेस्टिंग करेंगे। तो एलईडी टीवी की बैकलाइट को चेक करने से पहले हम इन्वर्टर के नीचे एक सीट रख लेते हैं, ताकि इन्वर्टर शॉर्टिंग ना हो। और अभी आप यहाँ पर होल देख पा रहे हैं, आप इन होल पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ये इसका IR रिसीवर सेंसर और इसके बटन है। यहाँ पर मैं पावर केबल को लगा दूँ पावर बोर्ड में। आप यहाँ पर इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर रेड कलर का ऑन हो चुका है। और अब इसे स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं। और यहाँ पर आप होल में ध्यान दीजिएगा, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर होल में से रोशनी बाहर आ रही है, यहाँ पर बैकलाइट ऑन हो चुकी है। मैं सभी लाइट से ऑफ करके दिखाता हूँ। अभी आप ध्यान से देखिए, हॉल में से रोशनी बाहर आ रही है। वापस से पावर केबल को बाहर निकालता हूँ, दोबारा से पावर केबल को लगाते हैं। यहाँ पर रेड कलर का इंडिकेटर ऑन हो चुका है वापस से। अब स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं। और अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैकलाइट ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा जो इन्वर्टर है यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो अब बी एल ऑन सिग्नल का जो वायर है, उस येल्लो वायर को हम डिसोल्डिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एलईडी केबल को हटाते हैं। अब सोल्डिंग आयरन से उसे डिसोल्डिंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, येल्लो वायर को डिसोल्डिंग कर दिया है। अब इस येल्लो वायर पर मैं हीट सिंक ट्यूब लगाऊंगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये ब्लैक कलर की हीट सिंक ट्यूब है, जो कि हीट होने के बाद अच्छे से फिक्स हो जाती है। तो रेजिस्टेंस और येल्लो वायर के ऊपर इस हीट सिंक ट्यूब को मैं अच्छे से फिक्स करूँगा। तो अब लाइटर के माध्यम से हीट सिंक ट्यूब को हम हीट देंगे। तो मैंने हीट करके हीट सिंक ट्यूब को फिक्स कर दिया है। तो अब बात करते हैं फिर से इस बैकलाइट ड्राइवर की। इस बैकलाइट ड्राइवर में जंपर सेलेक्शन दिए हुए हैं, जो कि इसकी लोड को दर्शाता है। यहाँ पर इसमें आप देख पा रहे हैं J0, J1, J2, आप नीचे देख पा रहे हैं J0, J1, J2, J3, J4, J5, J6। यहाँ पर ये 6 जंपर वायर है और इसका जो डेटा है पीछे की साइड लिखा हुआ है। यहाँ पर लोड के अनुसार आप देख पा रहे हैं J0, J1, J2, J3 और J0+J4। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर J0+J4 यहाँ पर मैं जंपर सेलेक्ट करने वाला हूँ, जो कि 500 मिली एम्पियर है। तो मैं इस लोड को यहाँ पर जंपर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर J0 यहाँ पर है और J4 यहाँ पर है, तो मैं इन दोनों को यहाँ पर जंपर करूँगा। तो अब J0 और J4 को यहाँ पर जंपर करते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ लगा दिया पेस्ट। तो सबसे पहले J0 को जंपर करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सोल्डिंग आयरन से कुछ इस तरीके से जंपर करना है। यहाँ पर J0 पर जंपर हो चुका है, तो यहाँ पर अब J4 पर हम जंपर कर रहे हैं।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर जम्पर करना है। दोबारा से पेस्ट लगाते हैं और जम्पर को अच्छे से कर लेते हैं। तो J4 का जो जम्पर है यहाँ पर लग चुका है और J0 को भी लग चुका है, और इसे ब्रश से साफ करते हैं। तो यहाँ पर दोनों जम्पर हमारे लग चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको जम्पर लगने के बाद इसके वोल्टेज जो आउटपुट है जो कि बैकलाइट के लिए है वो चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पावर केबल को लगाया है पावर बोर्ड में। अब यहाँ पर इंडिकेटर ऑन हो चुका है, इसे स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैकलाइट ऑन हो चुकी है। और अब यहाँ पर आप वोल्टेज देखना, आउटपुट वोल्टेज मैं आपको यहाँ पर चेक कराने वाला हूँ, 50.5 और यहाँ पर इधर है 50.6, और इनपुट वोल्टेज यहाँ पर 11.8। और मॉस्फेट पर चेक करते हैं, यहाँ पर है पूरे 12 वोल्ट जो कि 12 वोल्ट है, और 50.6 यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है जो कि बिल्कुल बैकलाइट के लिए ओके है और सेफ है। तो अब इस LED बैकलाइट ड्राइवर को डबल टेप के माध्यम से मैं इसे फिक्स कर देता हूँ। तो किस तरीके से और कहाँ पर लगाना है सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बैकलाइट ड्राइवर को इस जगह लगाने वाला हूँ। तो मेरे पास ये चौड़े वाली डबल टेप है जो कि डबल साइड टेप है, इसको मैं दोनों तरफ लगा कर इस बैकलाइट ड्राइवर को फिक्स कर दूँगा। एक साइड मैंने लगा दिया है, दूसरी साइड भी लगाते हैं, कट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया है, तो कहाँ पर ये सेट बैठ रहा है वो भी हमें देख लेना है। तो वायर के अनुसार हमें सेट करना है। तो यहाँ पर ये सेट बैठ रहा है, तो टेप को हटाते हैं और यहाँ पर इसे फिक्स कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने डबल साइड टेप के माध्यम से बैकलाइट ड्राइवर को फिक्स कर दिया है। अब इसके बाद हम जो है टेप का इस्तेमाल करेंगे और इन सभी वायर को अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो मेरे पास ये टेप मौजूद है, तो मैं इस टेप को इन सभी वायर पर लगाऊंगा और सभी वायर को अच्छे से फिक्स करूंगा। अब LEDS केबल के ऊपर भी लगाएंगे। कुछ इसी तरीके से आपको भी अच्छे से और साफ तरीके से काम करना है। तो यहाँ पर मैंने वायर के ऊपर टेप लगा दिया है। अब केबल के ऊपर लगाते हैं, LEDS केबल भी उठा हुआ है तो इसे भी चिपका देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से इसे फिक्स कर दूँगा। यहाँ पर मैंने इस टेप को भी लगा दिया है, और अब ग्लू गन के माध्यम से ग्लू को वहाँ पर लगा देते हैं जहाँ जहाँ हमने वायर को सोल्डिंग किया है। मैंने मदरबोर्ड में सोल्डिंग किया है, टीकोन के ऊपर वायर को सोल्डिंग किया है, और बैकलाइट ड्राइवर में हमने वायर को जो जैक है वो लगाए हैं। तो जैक के ऊपर भी हम ग्लू को डाल देते हैं ताकि अच्छे से फिक्स रहे और ये कहीं हिले ना। तो मैंने ग्लू गन से ग्लू को लगा दिया है। तो अब मैं फाइनली इस 50 इंच LED TV की पिक्चर को भी देख लेता हूँ, पिक्चर आती है या नहीं। तो यहाँ पर पावर केबल को लगाते हैं पावर बोर्ड में। आप यहाँ पर इंडिकेटर देख पा रहे हैं, इंडिकेटर भी ऑन हो चुका है। अब इसे स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं। तो मैंने इसे स्टैंड बाय से रिलीज़ कर दिया है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैकलाइट ऑन हो चुकी है लेकिन पिक्चर नहीं आई है, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करना होगा, पिक्चर आ जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विजडम शेयर लिखा हुआ आ चुका है, यहाँ पर पिक्चर आ चुकी है जो कि बिल्कुल ओके आ रही है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी 50 इंच की LED TV में गोल्ड 99E बैकलाइट ड्राइवर को इंस्टॉल करके वन टाइम बैकलाइट ब्लिंक या फिर बैकलाइट सेक्शन के फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो समझ आया होगा।